नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है टेक्नोलॉजी कीड़ा चैनल में। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हर बार मैं एक नया ट्यूटोरियल लेकर आता हूं आप लोगों के लिए मावी के अंदर, और मैं ज़्यादा से ज़्यादा ये कोशिश करता रहता हूं कि आप लोग जो है मावी के ट्यूटोरियल्स पहले देखें। ट्यूटोरियल्स देखने के लिए आप लोग मेरे चैनल की प्लेलिस्ट पर जा सकते हैं, और प्लेलिस्ट में आप लोगों को डॉटनेट मावी के प्रोजेक्ट वीडियोज भी मिल जाएंगे, और आप लोगों को डॉटनेट मावी से रिलेटेड जो कॉन्टेंट है, जो ट्यूटोरियल्स है, वो भी मिल जाएगा। आज इस वीडियो में हम लोग फाइल पिकर के बारे में बात करेंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पर क्लिक किया, क्लिक मी एक बटन है, और जैसे ही मैंने उस पर क्लिक किया तो एक पॉपअप आप लोगों के सामने ओपन होगा। ये पॉपअप जो है आप लोगों से चूज करवाएगा कि आप लोग कौन सी फाइल इसमें पिक करें। तो जैसे कि मैंने ये जेपीजी फाइल जो है वो पिक कर ली, सपोज यहाँ पर, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पर ये फाइल पिक कर लेता हूँ तो ये फाइल पिक हो चुकी है, ठीक है। और ये जो प्लगइन है एक्चुअली में, ये आप लोगों को माइक्रोसॉफ्ट डॉट मावी डॉट स्टोरेज के अंदर ही मिलेगा। आई फाइल पिकर ये एक प्रकार का इंटरफेस है, और इसको कैसे यूज़ करना है वो मैं अभी आप लोगों को बताऊंगा। तो हम लोग स्टॉप डिबगिंग कर देते हैं, आप लोगों ने आउटपुट तो देख ही लिया है। एंड आप लोग जो हैं डायरेक्टली आप लोग यहाँ पर आइए पेज के ऊपर, और इस पेज पर आप लोगों को ये पता लगेगा कि इस पे एक सिर्फ बटन है जिस पर लिखा हुआ है बटन क्लिक्ड, और क्लिक्ड इवेंट पर ही हम लोगों ने ये कॉल कर रखा है। क्लिक इवेंट हैंडलिंग पर हम लोगों को ने क्या कॉल कर रखा है, पिक ऑप्शंस। इसके बारे में बहुत सारा मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, लेकिन एक बार के लिए आप लोग इतना ही देख लीजिए। एक नया ऑप्शन है आप लोगों के पास, पिकर ऑप्शन। पिक ऑप्शन जो है वो पिक करने के लिए आता है, मतलब एक प्रॉम्प्ट मैसेज जो है वो आप लोगों के पास आएगा। आप लोग उसमें से चूज करेंगे जो आप लोगों के पास ऑप्शंस दिए होंगे उसमें से। जैसा कि मैंने बोला कि प्रॉम्प्ट मैसेज जो है वो आप लोगों के पास आना चाहिए। जैसे मैंने क्लिक किया तो एक प्रॉम्प्ट आया, उसमें से मैंने फाइल जो है वो पिक की इमेज गैलरी में से। कौन कौन सी वो फाइल आप लोगों को चूज करनी है, किस टाइप की होनी चाहिए, तो वो फाइल पिकर फाइल टाइप होता है, जो कि मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा, या कभी वीडियो में बता दूंगा कि आप लोग स्पेसिफाई कर सकते हैं कि फाइल टाइप क्या होना चाहिए। अभी आप लोग देखिए कि पिक ऑप्शंस है हमारे पास। फाइल पिकर जो है, जैसा कि मैंने आप लोगों को बोला, इसकी एक डिफॉल्ट प्रॉपर्टी होती है डॉट डिफॉल्ट, और आप लोगों को पिक एसिंक करना है, मतलब कैमरे से आप लोगों को पिक करना है, या इमेज गैलरी से पिक करना है, या आप लोगों के फ़ोन से ही पिक करना है इंटरनल स्टोरेज से, तो आप लोग ये यूज़ कर सकते हैं पिक एसिंक ऑप्शंस। जो आप लोग पिक करेंगे वो कहाँ पर चला जाएगा, रिजल्ट के अंदर। एंड फाइनली आप लोग ये चेक करेंगे कि रिजल्ट इक्वल्स टू नॉट इक्वल्स टू नल, यानी कि जो आप लोगों ने जो कुछ भी चीज़ पिक की है वो उसमें पिक किया है, वो नल नहीं है। तो फाइनली आप लोग यहाँ पर आ जाएंगे, रिजल्ट डॉट फाइल नेम, जो रिजल्ट लिया है उसका फाइल नेम क्या है, और एंड्स विद जेपीजी से होता है या आप लोगों का एंड्स विद पीएनजी से होता है। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं और लगाया हुआ है कि या तो जेपीजी होगा या पीएनजी होगा, या मतलब मैंने यहाँ पर उसका जो स्ट्रिंग कंपैरिजन है वो हम लोगों ने डिफाइन कर दिया कि फाइल नेम जो है वो एंड जो है वो इससे होता है, या तो जेपीजी से होता होगा या पीएनजी से होता होगा। अगर जेपीजी और पीएनजी से होता है तो आप लोग यहाँ पर आ जाइए फाइल स्ट्रीम के अंदर, स्ट्रीम रिजल्ट डॉट ओपन रीड एसिंक, ठीक है। और उसके बाद में जो इमेज सोर्स है डॉट फ्रॉम स्ट्रीम, और स्ट्रीम जो है वो उसमें सेव करवा दीजिए एज इमेज, ठीक है। तो आप लोगों की जो इमेज है वो इस पर आ जाएगी आप लोगों की, और जहां पर भी आप लोग इसे यूज करना चाहेंगे वहां पर वो आप लोगों की फाइल शो हो जाएगी। तो फाइनली मैं क्या कर लेता हूँ, जो इमेज मैंने पिक की है उसे मैं इमेज पे ही शो करवाना चाहता हूँ। तो फाइनली मैं इमेज यहाँ पर ले लूंगा, और एक्स कॉलन नेम प्रॉपर्टी उसकी मैं ले लूँगा IMG1, एंड रिक्वेस्ट उसकी कर दूंगा मैं 300, एंड फाइनली विड्थ रिक्वेस्ट इज ऑल्सो 300, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी मैंने असाइन कर दी इसको। एंड इन जो आप लोगों का टेम्पलेट डिजाइन डॉट सी एस एस टी एम एल फाइल है, जो आप लोगों की यहाँ पर इमेज आ रही है, उसको मैं क्या कर दूंगा, इमेज सोर्स पर डिस्प्ले कर दूंगा। बस इतना ही तो करना है हम लोगों को। तो IMG1 आ जा भाई, चलिए हम लोग इसको क्या कर देते हैं, एक बार के लिए इसको स्टॉप कर देते हैं। थोड़ा सा समय जरूर लेगा, लेकिन आप लोग जो फाइल पिक करेंगे वो फाइल आप लोग जो है एक इमेज सोर्स पर शो कर पाएंगे। तो इमेज वन डॉट हम लोग यहां पर लिखें सोर्स, और सोर्स में हमारे पास क्या जाए, इमेज, ठीक है। इतना आप लोग कर चुके, एंड फाइनली आप लोगों के पास यही सब कुछ था। इसमें आप लोगों के पास यूजिंग जो है ये हटाना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम लोगों ने यूजिंग लगा दिया तो आप लोगों को ये पता है ना कि ये मेमोरी जो भी स्ट्रीम हम लोगों ने यूज़ कर रखी है उसे डिस्पोज कर देगा, तो ये हम लोग एक्सेस नहीं कर पाएंगे। इसीलिए मैंने जो यूजिंग स्टेटमेंट है यहाँ पर उसे हटा दिया है, ठीक है। फाइनली आप लोग इसे सेव कर सकते हैं, और इसका जो रिजल्ट है वो आप लोग एंड्रॉयड डिवाइसेस पर चेक कर सकते हैं।
तो आप लोगों ने जो फाइल पिक की है एंड्रॉयड डिवाइसेस के अंदर, वो आप लोग अपनी एप्लीकेशन के अंदर यूज कर सकते हैं और उसे लोकल स्टोरेज डिवाइसेस यानी डाटाबेस के अंदर आप लोग सेव भी कर सकते हैं। और अब मैं आप लोगों को यही बताऊंगा कि एक डाटाबेस एप्लीकेशन हम लोग इस MAUI के अंदर बनाएंगे, SQL सर्वर एप्लीकेशन के अंदर, और इसमें स्टूडेंट एप्लीकेशन एक छोटा सा स्टूडेंट परफॉर्मा, उसकी इमेज कैसे सेव करते हैं वगैरह वगैरह, सारा जो परफॉर्मा है वो हम लोग इसमें बना लेंगे। तो इसमें जो है क्या क्या आप लोगों ने सीखा है, क्या क्या नहीं सीखा है, उसका एक रिविज़न भी हम लोगों को करना है .NET MAUI के अंदर, कि फाइल टाइप है या Xamarin Essentials जो है बेसिकली, जैसे कि मोबाइल डिवाइस में आप लोगों की फ्लैश लाइट कैसे ऑन होती है, आप लोगों को हो सकता है कि आप लोगों के पास जैसे कि अभी आप लोगों ने देखा होगा कि गूगल ऐप जो है वो फ्लैश लाइट का ऑप्शन आप लोगों को देता है कि फ्लैश लाइट आप लोग ओपन कर सकते हैं, ठीक है। अपलोड का बटन आप लोगों के पास दे सकता है कि आप लोग अपलोड जो स्क्वायर जो क्वायर कोड होता है उसके स्कैन करके डायरेक्टली आप लोग को रीड करेगा उस चीज़ को। तो वो जो है वो मल्टीपल ऑप्शंस जो है वो एंड्रॉयड के अंदर आप लोगों को मिलते रहते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वन बाई वन आप लोगों के पास आती रहती हैं और आप लोगों की जो ऐप है उसमें अलग अलग चेंजेस जो हैं वो आप लोगों के बनते रहते हैं। तो ऐसी एप्लीकेशन जो है वो हम लोग एक बनाएंगे जिसमें आप लोगों के सारे ट्यूटोरियल्स आ जाएँ और आप लोग जो हैं एक हैप्पी फील करें कि हाँ .NET MAUI जो है या एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म्स के ऊपर हम लोगों ने कोई वीडियो बनाया है और आप लोगों को वो समझ में भी आया है। तो ये थोड़ा सा समय ज़रूर लेगा लेकिन इसका आउटपुट जो है आप लोगों को जल्दी ही इस पर एंड्रॉयड के ऊपर मिल जाएगा। तो थोड़ा सा वेट कीजिए और आप लोगों को मिल जाएगा कि फाइल टाइप जो है, जो हम लोगों ने फाइल पिकर यूज़ किया है, आई फाइल पिकर वो इंटरफेस होता है, ये उसकी इम्प्लीमेंटेशन क्लास है फाइल पिकर, डॉट डिफॉल्ट प्रॉपर्टी है, डॉट पिक एसिंक उसका एक मेथड है जिसमें हम लोग ऑप्शंस पास कर देते हैं पिक ऑप्शंस के। और जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि जो फाइल हम लोग यूज़ कर रहे हैं, जिस फाइल को हम लोग गेट कर रहे हैं, उसका हम लोग टाइप भी दे सकते हैं यूजिंग फाइल टाइप, ठीक है। तो फाइल पिकर फाइल टाइप इसकी क्लास होती है, फाइल पिकर फाइल टाइप आप लोग देखिएगा। जैसा कि मैंने आप लोगों को बोला कि ये अगर आप लोगों को यूज़ करना है, फाइल पिकर यूज़ करना है और आप लोगों को एक्सटर्नल रिसोर्सेज भी यूज़ करने हैं इसमें, तो मैं भी आप लोगों को बता दूंगा एक्सटर्नल रिसोर्सेज। जैसे कि आप लोगों का हो सकता है कि SD कार्ड आप लोगों के सिस्टम में लगा हो तो आप लोग उसे कैसे एक्सेस करें, उसके लिए आप लोगों को कुछ परमिशंस हैं वो सेट करनी पड़ेंगी और उसके बाद में आप लोग उसे यूज़ कर पाएंगे, ठीक है। तो वो परमिशंस आप लोग, क्या हुआ भाई ये क्या हो गया इसमें, मेरे से तो नहीं हो गया कुछ, वापस सेट कर लेते हैं इंस्टॉल। तो फाइनली आप लोगों के पास ये आउटपुट आ चुका है और आप लोग जो हैं इसमें से कोई भी एक फाइल जो है वो पिक करें, जैसे कि मैंने यहाँ पर क्लिक में कर लिया, इस पर मैं क्लिक कर देता हूँ और आप लोगों के पास एक प्रॉम्प्ट मैसेज खुलेगा और वो किससे ओपन होता है, फाइल पिकर से ओपन होता है, आप लोगों को पता है डॉट पिक एसिंक से। और ये फाइल जो है मैं अपनी इमेज गैलरी में मैंने कैमरे से कैप्चर की है और यही फाइल आप लोगों के सामने अब डिस्प्ले हो रही है, ठीक है। तो ये तो आप लोग समझ गए होंगे, लेकिन अगर आप लोगों को ये तो है कि इंटरनल रिसोर्सेज से आप लोगों को, अगर स्टोरेज से आप लोगों को फाइल पिक करनी है तब आप लोग क्या करें, लेकिन अगर एक्सटर्नल रिसोर्सेज हुए तो आप लोगों के पास, तो आप लोग क्या करेंगे, एंड्रॉयड के लिए अगर हम लोग सेटिंग करना चाहें तो आप लोग मैन एप्लीकेशन डॉट सी एस फाइल के अंदर आएंगे और यहाँ पर ये असेंबली जो है आप लोगों को ऐड करनी पड़ेगी। तो असेंबली यूज परमिशन, असेंबली कॉलन यूज परमिशन Android डॉट मैनीफेस्ट डॉट परमिशन डॉट रीड एक्सटर्नल स्टोरेज। अगर एक्सटर्नल स्टोरेज से आप लोगों को रीड करनी है फाइल तो आप लोग ये यूज़ करेंगे, पहली बात। दूसरा आप लोगों को क्या यूज़ करना पड़ेगा, Android मैनीफेस्ट डॉट XAML फाइल के अंदर ये परमिशन आप लोगों को लगानी पड़ेगी, यूजेस परमिशन Android नेम Android डॉट परमिशन डॉट रीड एक्सटर्नल स्टोरेज, ठीक है। ये दोनों लगाने के बाद आप लोग एक्सटर्नल रिसोर्सेज को यूज़ कर सकते हैं। तो ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा और साथ ही मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करता हूँ, आप अगर आप लोग नए हैं तो आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब करें चैनल को, लेकिन अगर आप लोग बेल आइकन नहीं दबाएंगे तो आप लोगों को लेटेस्ट नोटिफिकेशंस नहीं मिलेंगे, इसीलिए आप लोग बेल आइकन भी प्रेस करें। और प्लीज़ अगर आप लोग ये चाहते हैं कि आप लोग हमेशा टेक्नोलॉजीज को आसान भाषा में फ्री में सीखना चाहते हैं, यूट्यूब के माध्यम से सीखना चाहते हैं, हर वो टेक्नोलॉजी सीखना चाहते हैं और प्लीज़ दूसरों की भी मदद करना चाहते हैं, तो शेयर ज़रूर करें मेरी वीडियोस को, चाहे वो आप लोगों का फेसबुक हो, व्हाट्सअप हो, लिंक्डइन हो, जहाँ पर भी आप लोग शेयर करना चाहें। धन्यवाद।